दिस इज योर ब्रो कावेश, यू आर वाचिंग कावेश राज चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज है सैटरडे एंड अभी बज रहे हैं लगभग 12 बज चुके हैं एंड आज हमको कुछ काम है। जैसा काम क्या है मैं आपको डिटेली बताता हूँ। मेरा एक स्कूटी है एक्टिवा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है पिछले वीडियो में, एंड उस पर क्या हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला तो माइलेज प्रॉब्लम है एंड उसका मोबाइल जो है बहुत दिनों से चेंज मैंने नहीं कराया है। लगभग हमको लगता है कि मुझे लगता है कि पिछले साल फरवरी में करवाया था एंड अभी बहुत दिन हो चुका है, लगभग 1.5 साल जैसा हो गया है। एंड ऑल्सो वॉशिंग भी नहीं हुई, लॉकडाउन से पहले वॉशिंग हुई थी गाड़ी की। तो मैं सोच रहा था कि कुछ करवाते हैं गाड़ी पे, कुछ काम करते हैं, जैसे मोबाइल चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ये सब जो है करते हैं। तो क्या करेंगे कि अभी जो है पहले तो सारा सामान जो है खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना भी सारा सामान खरीदता हूँ सारा जेन्युइन प्रोडक्ट्स रहता है। जितना भी ऑयल हो, इंजन ऑयल हो, एयर फिल्टर हो, सारी चीज, क्योंकि मैं कुछ भी बाइक के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं भी अगर इनकेस खराब हो जाए तो फिर रिस्क रहता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जब भी लेता हूँ कुछ भी प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो मैं ऑफिशियल होंडा या फिर हीरो या फिर रॉयल एनफील्ड, जो भी मेरे पास तीनों बाइक है, तीनों के ही जेन्युइन पार्ट्स लेता हूँ, जो कि सर्विस सेंटर के ऊपर में या फिर सर्विस सेंटर के कहीं पे भी जगह में एक रहता है स्टोर, वहीं से मैं परचेज करता हूँ। तो आज भी मैं करूँगा कि होंडा का जो जो सामान मुझे लेना है एक्टिवा का, तो वो मैं जाऊंगा एंड उसको परचेज करूंगा। क्योंकि मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था क्रैम के बारे में कि क्रैम जो है मैंने ठीक करवाया है, जो मेरा बहुत दिन से था, 2.5 महीना से था, उसको मैंने ठीक करवाया था। तो मैंने बोला था कि मैं 15 दिन तक के रेस्ट करूंगा, उसके बाद ही बाइक या फिर कुछ भी करूंगा। तो अभी फाइनली 15 दिन लगभग हो चुके हैं, तो अब जो इसीलिए मैं जा रहा हूँ गाड़ी चला के, नहीं तो मैं नहीं जाता। थोड़ा मोड़ा क्रैम्प रह गया है तो अब क्या है कि जिम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिससे हुआ है शायद उसी से ठीक भी हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी एक्चुअली जिम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली करेंगे नहीं, कर दिया मैंने जिम स्टार्ट। यस, 2-3 दिन जैसा अभी मैं कर चुका हूँ जिम एंड अभी शुरुआत में 2.5 महीना से छूटा हुआ था जिम एंड 2.5 महीने के बाद मैंने किया। तो क्या हुआ कि पूरा बॉडी का जो मसल्स है वो खुलता है, तो खुलने के बाद पेन, ऑब्वियसली पेन होगा, तो पेन हुआ। एंड पेन होने के बाद एक दिन मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो दवा तो खा नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि ये पेन को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए उस दिन एक दिन उसके बाद रेस्ट ले लिया हम एंड फिर से कंटिन्यू किया। तो ये क्या करेंगे, एक कंटेंट बनाएंगे जिम पे, जो कि मैं जो भी पूरे दिन करता हूँ, जो खाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसा डाइट लेता हूँ, सारी चीज़ मैं उस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। एंड कोशिश करूँगा कि इस लॉकडाउन, अभी जब तक के लिए कॉलेज नहीं खुल रहा है, कॉलेज खुल जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा जिम एंड व्लॉग एंड ब्लॉग सारी चीजें में दिक्कत हो सकती है। तो अभी कोशिश करेंगे कि अभी जल्द से जल्द, जब तक के लिए कॉलेज नहीं खुल रहा, अच्छा सा बॉडी शेप गेन कर ले एंड बस इतना ही है। और क्या, तो अभी पहले चलते हैं, अपना जो एक्टिवा का काम है उसको पहले पूरा करते हैं एंड मिलते हैं सामान आने के बाद। तो गाइज़ अभी थोड़ा सा आपको ऑडियो क्लियर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, सॉरी फॉर द ऑडियो। सो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं एंड मिलते हैं ऊपर पे। एक एयर फिल्टर एक्टिवा 4G का और एक इंजन ऑयल। अभी सारा सामान लेके आ चुके हैं एंड सारा नहीं मतलब मोबाइल एंड एयर फिल्टर लेके आ चुके हैं एंड ऑल्सो कि अभी 3 भी बज चुके हैं, तो सोच रहे आज नहीं करते हैं, कल करेंगे या फिर करवाएंगे, अब कल ही देखा जाएगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि टाइम नहीं मिलता है। मे भी करवा ले सर्विसिंग, हफ्ते से सोचे थे करने का लेकिन उतना टाइम नहीं है, क्योंकि ब्लॉग भी देखना है, सारा चीज़ अभी को करना है, जिम भी करना है एंड ऑल्सो क्लासेस भी मेरा स्टार्ट हो चुका है 3rd सेमेस्टर का, तो उसको भी मैनेज करना है। तो सारा काम हो जाता है, मतलब पूरा बिजी शेड्यूल रहता है पूरे दिन भर का। तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि कल हम करने वाले हैं खुद से, हमको लग रहा है कि कल हम करवाएंगे। तो अभी जो है सारा सामान तो आ गया है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं वीडियो के एंड मिलते हैं कल। टुडे इज नेक्स्ट डे, मतलब आज संडे है एंड आज फाइनली हम सर्विसिंग करवाने वाले हैं, करेंगे नहीं क्योंकि अपने पास टाइम उतना है नहीं कि आज हम सर्विसिंग खुद से करें। सोचे थे कि करेंगे लेकिन
टाइम की वजह से, बिजी स्केड्यूल की वजह से कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो अभी फाइनली डिसाइड हुआ है कि मेरे कजन है, उनके दोस्त है, मैं उनसे सर्विसिंग करवाने वाला हूँ। एक्चुअली वो संडे को ही रहते हैं सुबह जितना बजे, अब उनके पास अगर काम रहा तो संडे को आते हैं, नहीं तो उनका कहीं जॉब है तो वो वहाँ करते हैं काम। एंड उनसे काम करवाने मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बहुत अच्छा काम रहता है उनका। तो अभी उनसे ही मैं सर्विसिंग करवाने वाला हूँ एंड सारी चीज को फाइन करवाऊंगा। तो अभी मिलते हैं वहाँ। सो गाइज, अभी फाइनली हमारी गाड़ी जो है वो स्कूटी जो है सर्विस हो चुकी है एंड कंडीशन आप देख सकते हैं कितना फ्रेश दिख रहा है। सर्विसिंग होने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि अभी इतना दिन से रखा हुआ था गाड़ी, तो ऑब्वियसली गंदा हो ही गया था एंड अभी सर्विसिंग होने के बाद बहुत अच्छा हुआ दिख रहा है एंड आवाज भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास फिनिशिंग हो चुकी है एंड एकदम सर्विस होके मस्त हो गया था गाड़ी। एंड सर्विसिंग करवा के आने के बाद मैंने सबसे पहले तो अपने आप को फ्रेश किया क्योंकि मैं भी पूरा गंदा हो गया था। मैंने वहाँ बहुत देर टाइम अपना दिया है सर्विसिंग में क्योंकि मुझे वीडियो वैसे शूट करना था, तो मैंने सोचा कि टाइम देते हैं वहाँ पे एंड टाइम देके मैंने शूट भी किया थोड़ा मोड़ा। एंड मैं लगभग गया था 11 बजे आसपास एंड अभी आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया है एंड अभी 3:30 बज गया, मतलब 11 से 3:30 का फर्क, मतलब लगभग लगभग 4.5 घंटा जैसा लग गया क्योंकि वॉश भी कराना मुझे को पड़ा था एंड सर्विसिंग में जो भी टाइम लगा वो हुआ। सर्विसिंग कराने के बाद आए एंड फिर नहाने के बाद फ्रेश हुए और अभी क्या हो गया है कि पानी आ गया, मतलब मेहनत पे पानी फिर चुका है मतलब यहाँ पे गाड़ी अभी रखा हुआ है एंड पूरे गाड़ी अच्छे तरीके से पूरा तरीके से गंदा होने की कगार पे आ चुका है, गंदा हो भी रहा होगा मेरे ख्याल से। ओह शिट 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 शिट, मेरे रूम में पानी गया आ गया एंड हियर इज। गाड़ी में 5-6 काम हुआ है, जैसे कि सबसे पहला तो आप जानते हैं कि एक्टिवा या फिर कोई भी स्कूटी में एक प्रॉब्लम होता है कि हैंडल वाइब्रेशन प्रॉब्लम, जो कि सबसे पहला अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो पूरा हैंडल वाइब्रेट करता है, तो वो हुआ काम। माइलेज, जैसा कि मैंने बोला था माइलेज मेरा 20 का दे रहा था, जो कि एक्टिवा का माइलेज है 40 एंड 20 का दे रहा था, तो इसीलिए मैंने माइलेज चेक कराया एंड मोबिल चेंज कराया, इंजन ऑयल ऑब्वियसली एंड एयर फिल्टर का जो प्रॉब्लम था, मेरा एक प्रॉब्लम था एयर फिल्टर में कि 3000 किलोमीटर में पूरा जो है ऑयल टाइप का आ जाता था, तो वो क्यों आ रहा था क्योंकि माइलेज एडजस्ट नहीं था सही से, मतलब उतना दिन से मेरा पैसा वेस्ट हो रहा था 20 किलोमीटर चला चला के, तो वो भी सेट हो गया। अब उन्होंने बोला है कि अब एयर फिल्टर में ऑयल नहीं आएगा, मतलब जो ऑयल आ जा रहा था मोबिल टाइप वाला, तो वो अब नहीं आएगा, एयर फिल्टर जो है 7000 किलोमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा एंड सारा काम अभी। और एक प्रॉब्लम हो रहा था कि गाड़ी का जो नॉइज है वो बहुत ज्यादा हो गया था, तो क्यों हो रहा था वो क्योंकि सेकेंडरी एयर फिल्टर जो रहता वो सही से बैठा हुआ नहीं था, तो उसको बैठाया गया सही से एंड आवाज भी बहुत क्लियर हो गया मोबिल की वजह से, ऐसी अच्छा आवाज आ जाता है गाड़ी का। तो सारा काम अभी हो चुका है फ्रेश एंड पानी आ गया है। तो एंड आज और एक प्लान था कि सोचे थे कि अगर 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक के लास्ट अगर काम हो जाता है सर्विसिंग, तो हमने एक राइड प्लान किया था, वो प्री प्लान्ड राइड नहीं था, बस वो अचानक से कल ही बात हुआ एंड आज सोचे कि जाने हैं सर्विसिंग के बाद जाया जाएगा स्कूटी या फिर बुलेट में, किसी में भी जाया जाएगा, लेकिन अब तो पानी आने लगा है तो अब नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है, तो अब सोच रहे हैं कि अगले संडे या फिर देखते हैं कब जाने का है, तो अभी उसको देखा जाएगा। तो आज क्या करते हैं कि अब बहुत लेट भी हो गया है एंड वीडियो पूरा बहुत लंबा हो चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो है वीडियो को शॉर्ट करते हैं एंड ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नया हो तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैंने नया ट्विटर अकाउंट बनाया वहां पे भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो। सो फॉर टिल देन बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I...